रहे हैं पवन सिंह के आंसू। जी हाँ, दिग्गज गीतकार श्याम देहाती के कोरोना से मृत्यु की खबर सुन के भोजपुरी इंडस्ट्री हिल चुकी है। जी हाँ, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में ये खबर फैली है, भोजपुरी इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा कलाकार श्याम देहाती को श्रद्धांजलि देने में जुटा हुआ है। और ये बात किसी को यकीन ही नहीं हो रही है कि श्याम देहाती नहीं रहे। श्याम देहाती को याद करते हुए सभी ने अपने अनुभव शेयर किए। विलन संजय पांडे उनके लिए कहते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, उसे बहुत मिस करूंगा। आखिरी बार प्रयागराज में 18 मार्च को मुलाकात हुई थी आशिकी फिल्म के सेट पर। उसी तरह विलेन अयाज खान कहते हैं कि एक साथ हम दोनों ने कैरियर शुरू किया और निरहुआ रिक्शावाला में काम मिला, उसके बाद तुमने अपना नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज राइटरों में शामिल किया। वहीं दूसरी तरफ काजल राघवानी कहती हैं, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने जल्दी चले जाओगे। रानी चटर्जी कहती हैं कि अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। भोजपुरी के हर कलाकार ने अपना अनुभव श्याम देहाती के साथ शेयर किया, तो वहीं पवन सिंह ने भी, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने जल्दी हमें छोड़कर चले जाओगे। तुम्हारे गीतों से तो भोजपुरी इंडस्ट्री गुले गुलजार हुआ करती थी, इतनी कम उम्र में ऐसे भला कौन जाता है। खेसारी लाल यादव ने तो अपना पोस्ट किया, साथ में ये लिखा कि ये लिख तक नहीं पा रहा हूँ कि श्याम अब हमारे बीच नहीं रहे। भोजपुरी जगत की सभी हस्तियों ने श्याम देहाती को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और स्पेशल भोजपुरी की तरफ से भी श्याम देहाती को भावभीनी श्रद्धांजलि।